आजकल देखा जा रहा है कि जानवरों में पाई जाने वाली बीमारियों के मनुष्य में पाए जाने की खबरें आम हो रही हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका जानवरों से गहरा संबंध है। ये बीमारियां इंसानों के लिए खतरनाक ही नहीं जानलेवा भी साबित होती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका में रहने वाली एक महिला के साथ। पहली बार मनुष्य में ऐसी बीमारी देखी गई है जो अब तक सिर्फ जानवरों में पाई जाती थी। ये बीमारी जानलेवा तो नहीं थी, लेकिन जिसने भी इसके बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। अमेरिका के ओरेगॉन में रहने वाली एबी बैकल घुड़सवारी और फिशिंग की शौकीन है। वो लगातार जानवरों के संपर्क में रहती हैं, जिसके कारण वो इस बीमारी के संपर्क में आई। एक दिन जब वो घुड़सवारी के बाद अपने घर पर लौटी तो उन्हें अपनी आंखों में कुछ दिक्कत महसूस हुई। बाद में आंखों में खुजली होने लगी। एक हफ्ते की खुजली के बाद एक दिन जब उन्होंने अपनी आंख मली तो उनकी आंख से एक कीड़ा निकला। इसके बाद वो फौरन डॉक्टर के पास गई, जहां उनकी आंखों से 13 और कीड़े निकाले गए। ये घटना 2016 की है, लेकिन अब जाकर वैज्ञानिकों ने इसका खुलासा किया है। अमेरिकी सेंटर फॉर प्रिवेंशन डिजीजेस के वैज्ञानिकों के अनुसार 26 वर्षीय एबी बैकल की आंख से 20 दिन में कुल 14 कीड़े निकाले गए, जिनका आकार 1.25 सेंटीमीटर तक था। अमेरिका के जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन में छपने के बाद ये मामला सभी की जानकारी में आया। ये कीड़े थैलेसिया ग्यूलोसा प्रजाति के हैं। अमेरिकन जर्नल के रिसर्चर्स ने बताया कि इससे पहले इस प्रजाति के कीड़े दक्षिणी कनाडा और उत्तरी अमेरिका के पशुओं में देखने को मिलते थे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।